मैं आपको दिखाता हूँ जो डीडी का कैसा रहता है। तो यहाँ पे जब आप टेंडर में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है ऐसा टेंडर में। फाइनेंस में बीओक्यू छोड़ के भी आपको एक पीडीएफ में डाउनलोड, आपको एक पीडीएफ में भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है। इसको हम लोग जनरली हम लोग सब लोग डीडी के नाम से जानते हैं, पर इसका पूरा क्या बोलते हैं, इसको पूरा नाम एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ये डीडी के रूप में दिया जाता है, ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, ये हमेशा ऑफलाइन ही पेमेंट होता है। ये डीडी कैसा रहता है, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, ये हम लोग आज के क्लास में अभी देखेंगे। तो डीडी एडिशनल क्या, क्या बोले सर, एडिशनल क्या, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, यस, जो हम लोग डीडी के रूप में देते हैं, इसलिए हम लोग सब लोग डीडी के नाम से पुकारते हैं इसको, डीडी है, डीडी है। ये जो टेंडर में इस तरीके से लिखा रहेगा वहां पे आपको डीडी बना के टेंडर फीस और ईएमडी छोड़ के भी ये डीडी आपको अपलोड करना है, पर ये एज ए रूल से निकल गया है। अभी आप टेंडर मिला तो डीडी सबमिट करना पड़ता है, पर बहुत सारे टेंडर में ऐसा आ जाता है तो आपको डीडी सबमिट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से डीडी हमारे से डिमांड किया जाता है। यदि नहीं भी है, बहुत सारे टेंडर में ये लिखा हुआ नहीं रहा, पर टेंडर में, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में, टेंडर नोटिस में या टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे यदि इसके क्लॉज लिखे रहे जो डीडी लगेगा, तो आपको यहाँ पे डीडी देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है डीडी एज पर बिलो रेट, मतलब बिलो का डीडी। यदि ये टेंडर पढ़ेंगे तो इसमें इसके क्लॉज भी डिफाइन किया हुआ रहता है, किस तरीके से होता है। तो नॉर्मली क्लॉज एक ही होता है, इसलिए मैं आपको एक क्लॉज के बारे में बता देता हूँ किस तरीके से ये क्लॉज वर्क करता है। देखो तो क्लॉज किस तरीके से करता है, डीडी का हम लोग बात करते हैं। तो डीडी के क्लॉज में जो हमारा रहता है जनरली क्या रहता है, 1 to 10%, 1 to 10%। यदि आप परसेंटेज में बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे परसेंटेज में देखते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज में ये 1 to 10% के लिए आपको, यदि आप बिलो में जाते हो, बिलो में, बिलो 1 to 10, ये बिलो में जा रहे हो, बिलो में जाने से बिलो 1 to 10% में आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपका, अभी हो रहा है, अभी आया, हाँ, ये परसेंटेज में 1 to 10%, ये बिलो में, बिलो में अबव के लिए कोई डीडी नहीं लगता। बिलो 1% से 10% तक यदि रहा तो आपको 1% का डीडी लगेगा, कितना का, 1% का। यदि यही चीज आप बिलो में जा रहे हो, बिलो में 10 to 15%, 15%, तो आप ग्रेटर देन 1% से ये डीडी का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसके डिटेल्स मैं अभी बताता हूँ और एक बार यहाँ पे, और 15% से यदि अबव रहा, 15% से अबव रहा तो ये आपका बढ़ेगा 2% से, 2% से आपका ये बढ़ जाएगा, ये रूल से। तो एज्यूम करो आपका एक टेंडर है 10 लाख का, 10 लाख का टेंडर है, आप ये टेंडर को -3% बिलो से भर रहे हो, तो आपको डीडी, आप किस कैटेगरी में आते हो, 1 to 10 में आते हो, बराबर 1 to 10 में ही आ रहे हो ना, तो 1 to 10 में आ रहे हो तो आपको इसको कितना का डीडी लगेगा, तो 10 लाख का 1% डीडी लगेगा। इतना का आपको अलग से आपको डीडी निकालना पड़ेगा, 10 लाख हुआ, 1 लाख हुआ, 1 लाख हुआ, तो आपको 10,000 का डीडी निकालना पड़ा। यही यदि आप बिलो 9% जाते हो तो भी आपको सेम इसका 1% ही आपको डीडी लगेगा, ये इस तरीके से। यदि आप यही वाला बिलो -12% जाते हो तो आपको कितना का डीडी लगेगा, 10% के लिए 1, बराबर, प्लस 10 के ऊपर हमने बोला है बिलो अबव 1 जाएगा, 1% से बढ़ेगा, तो 10 के ऊपर 12 कितना है, 2, तो 1 + 2 मतलब 3% का डीडी लगेगा। कितना का आपको डीडी लगेगा, इतना 3%, तो आपको 30,000 का डीडी लगेगा। यही यदि आपका 14% का रहा या 15% का रहा तो आपको डीडी कितना का लगेगा, 10 के लिए 1,
प्लस 10 के ऊपर 5 कितना है 5, 1 प्लस 5 6, मतलब आपको डीडी लगेगा 6% का, मतलब इतना इनटू 6% 60,000। अभी आपका दूसरा, हम लोग ये सेकंड नंबर क्लॉज पे चल रहे थे, अभी थर्ड नंबर क्लॉज पे। अभी हम यदि 18% बिलो जाते हैं, बिलो में कितना जाते हैं माइनस 18% बिलो जाते हैं, तो अपने को इस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 10 तक के लिए 1 बराबर, 10 से 15 के लिए एक एक बढ़ेगा, मतलब 5। हम लोगों ने 15 तक के लिए 6 देख लिया था, 15 से ऊपर 18 कितना है 3, तो 3 के लिए हम लोग कितना जा रहे हैं 2% ग्रेटर जा रहे हैं, मतलब 2% से बढ़ेगा, तो 3 into 2 मतलब 3 into 2, तो अपने का क्या हो गया 6, 6 प्लस 5 प्लस 1 12, 12%, तो अपने को डीडी कितना करा देगा, दिस इनटू 12%, 1,20,000। यही यदि आपने और आगे किया 18% की जगह पे आपने ये 19% किया, तो और 1% बढ़ेगा, 2% से बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको डीडी तैयार करना, ठीक है, समझ में आया क्या किसी को, सबको? हाँ हाँ, डीडी का रूल्स, ये अपना डीडी का रूल्स होता है। हाँ, यही यदि आप अबव में भरोगे या जीरो में भरे, जीरो 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 में भरे, तो आपको डीडी कितना का लगेगा, जीरो जीरो भरे तो डीडी कितना का लगेगा, 10 लाख का टेंडर है, ये टेंडर कॉस्ट है, टेंडर वैल्यू, और आप 10 लाख में ही टेंडर भरना चाहते हो 0% पे, तो आपको डीडी कितना का लगेगा, जीरो लगेगा, लगेगा ही नहीं, तो डीडी क्या हो जाएगा आपके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप उस टाइम पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करोगे बताओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्या करोगे, यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, बिना डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसे कंडीशन में आप डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करोगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना ही नहीं है, मतलब अपलोड करना है तो एक पेज लेना है, वहां पे अपने कंपनी का डिटेल्स डालना है, टेंडर आईडी डालना है, ये टेंडर आईडी डालना है, और नीचे नॉट एप्लीकेबल लिखना है, नॉट एप्लीकेबल अबव रेट ब्रैकेट में डाल दो, अबव रेट में टेंडर भर रहा हूं, उसको नीचे साइन करो, पीडीएफ बनाओ और अपलोड करो, ठीक है, समझा? ओके, ये आपका डीडी का क्लॉज। किसी को कुछ ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो बताइए।